हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा वाला ध्यान रखें। मैं भी अच्छी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट। तो मैं बात कर रही हूँ कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप एंड क्रीम के बारे में। ये है कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप और ये है कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्किन केयर रेंज है एंड इसमें आपको सीरम भी मिल जाता है। तो मुझे ये ट्राई करना था कि एग्जैक्टली वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ही यूज किया है। इसका रिजल्ट भी लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छे है। जो स्किन लाइटनिंग या व्हाइटनिंग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मोस्टली लोग इसको गलत कंसिडर करते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि ये मैं यूज करूंगी तो मैं बहुत ज्यादा गोरी हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, गोरा तो कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं कर सकता है। लाइटनिंग एंड व्हाइटनिंग में ये चीज आती है कि जब आप कोई भी स्किन केयर रेंज यूज करते हैं, जैसे कि आप ये सोप यूज करते हैं जिस पे लिखा हुआ है स्किन लाइटनिंग करेगा, तो मैं आपको बता दूं जैसे स्किन पे छाइयां हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, सन टैन है या फिर डार्क स्पॉट जगह जगह जो पैचेस होते हैं वो हो जाता है, सन टैन की वजह से आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो कम हो गई है, तो वो चीजें सही करता है। जो मतलब आपका एक्चुअल कलर जो होता है ना, जो कि डल हो गया है, उसको वो ब्राइटन अप करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर बनाता है, इवन आउट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे स्किन का जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो बाहर आता है, जिससे हमारी शेड जो है ना वो ब्राइटन अप नजर आती है। तो स्किन लाइटनिंग और व्हाइटनिंग उसको बोल सकते हैं। आपके जितने भी इश्यूज होते हैं फेस से रिलेटेड वो रिमूव करता है। आजकल की लाइफ स्टाइल जो हो गई है, केमिकल वाली चीजें हम खाते हैं, यूज करते हैं, जो हम खाते हैं वो भी तो हमारे फेस पे दिखता है ना कि कैसा है। तो एक्चुअल जो आपका कलर है ना उसको वो सही करता है, जिससे आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी नजर आती है, आपके एक्चुअल कलर को एनहेंस करता है। तो ये जो सोप और क्रीम है ना इसी बेस पे वर्क करता है। फर्स्ट हम बात करेंगे इसे सोप के बारे में। तो ये है कोजी केयर की स्किन लाइटनिंग सोप। इसमें आपको 75 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है जिसकी प्राइस है ओनली 100 रुपीज। ये जो स्किन लाइटनिंग सोप है इसमें यूज किया गया है कोजिक एटिक ग्लूटाथियोन अर्बुटीन एंड विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली काम करते हैं आपके स्किन को लाइट करने में, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करने में। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, हमारे स्किन पे जो भी डार्क पोर्शन होते हैं, छाइयां होती हैं, या साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा सन टैन हो गई है, सन डैमेज हो गया आपके स्किन, तो उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ई या कोजिक एसिड जो होता है वो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है। ग्लूटाथाइन हमारे डार्क मेलानिन को कम करने में हेल्प करता है। ये जो सोप है ना ये आपके जितने भी रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि एंटी एजिंग है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है, मतलब कि इसमें सनस्क्रीन का भी इफेक्ट आपको मिलेगा। ये जो सोप है ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी सोप है। जब आप इसको लगाते हैं ना, इसका जो फोम है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी लगता है, साथ में एक बैरियर भी क्रिएट करता है जिससे आपकी जो भी सन डैमेज होती है या होने वाली होती है उससे भी आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये जो सोप है इसकी एक चीज बहुत अच्छी है, ये आप अपने स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना जिनका फेस थोड़ा सा लाइट कलर होता है, बॉडी जो थोड़ी सी डार्क होती है, तो आपके लिए ये दोनों ही सिचुएशन में वर्क करेगा। तो सही है ना, आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और जो भी आपके इश्यूज हैं बॉडी पार्ट्स के या फिर फेस के बॉडी पार्ट्स के, आप उसको कम कर सकते हैं। नॉर्मली आपको यूज कैसे करना है, आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए सिंपल वाटर से, उसके बाद से हाथ पे इस तरीके से सोप को रब करके अच्छे से इसको फोम बना लेना है। देन आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके नॉर्मली जैसे आप फेस वॉश करते हैं उस तरीके से वॉश कर देना है। इसमें बहुत ही क्रीमी सा फोम बनता है जिससे स्किन जो है ना बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाती है। जब आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं ना तो आप विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा लाइटन अप होने लगी है और आपका जो एक्चुअल कलर है जो कि डल हो चुका है वो भी सही होने लगा है। अब हम बात करते हैं कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम की। जैसे कि अभी समर सीजन है तो समर्स में हम क्या होता है नॉर्मली बाहर जाते ही जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में टैनिंग आ जाती है, चाहे फेस हो चाहे हैंड हो नेक हो, टैन तो होना ही होना होता है। तो ये पता है इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। मेरी स्किन में बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है जिसकी वजह से मेरे लिए तो ये सही है। ये जो क्रीम है ना किसी भी टाइप का हाइपर पिगमेंटेशन है ना उस पर वर्क करता है, जैसे छाइयां हो जाती है। मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि मुझे छाइयां हैं जो कि सही नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए भी मैंने सोच करके ये वीडियो बनाया कि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी। 15 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिलता है 185 रुपीज में। ये जो क्रीम है ना इसमें यूज किया गया है 3% कोजिक एसिड, 2% विटामिन सी, जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। जो भी स्कार्स होते हैं ना, डार्क धब्बे होते हैं,
उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ में इसमें यूज किया गया 1% ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है, हमारे शेड कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप बनाने में हेल्प करता है, हमारे स्किन पे जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो ब्राइटन अप होने लगता है। एंड इसमें यूज किया गया है 2% नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जो हमारे स्किन पे दाग धब्बे होते हैं ना उनको रिमूव करता है, साथ ही जो हमारे फाइन लाइंस होती हैं उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है ना, इसका टेक्सचर जो है ना एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है। आपको क्लीन फेस पे, मतलब फेस को वॉश कर लेना है, और इसको दिन में आप 2 बार भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो नाइट में भी लगा सकते हैं। मैं नाइट में ही मैक्सिमम यूज करती हूँ, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए आप दोनों टाइम ही यूज करें तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना तो इसका सीरम भी यूज करें, जैसे एक कंप्लीट स्किन केयर जो होता है ना वो आपका हो जाएगा और आपकी स्किन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक कि आपको पता है जो आपको बहुत सालों से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उससे भी ये रिमूव होने लगती है धीरे धीरे अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो। सो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कुछ ही दिन बाद। एंटी एजिंग का भी काम करता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ढेर सारे लोगों को जिनको भी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।